ये पार्ट टू है वीडियो का, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा जो 11 से 20 चैप्टर्स हैं 11th के एनसीईआरटी के, जिसने स्टार्टिंग की वीडियोस में देखी मैंने उसमें स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स के बारे में बताया हुआ, तो पार्ट वन देख लेना ये पार्ट टू का। तो इसमें अब डिस्कस करूंगा प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी। अब यार एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स इतने हार्ड नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में चैप्टर बहुत ईजी है एंड देखा जाए तुम्हारे नीट में ये चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्स में चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में चैप्टर्स लगभग इंपॉर्टेंट ठीक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी कुछ कुछ पार्ट्स हैं जिसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे ट्रांसफर इन प्लांट्स देख लो, ठीक है, डिफ्यूजन, वाटर पोटेंशियल, ये सब चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। इतना पूछते नहीं है एक्चुअली एम्स में, एसोसिएशन में ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि नीट का जो पीओ पेपर है दैट इज मोर एग्जाम्पल ड्रिवन पेपर, ठीक है, जो तुम्हें फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा होती है। तो ये एम्स वाले की चांस है इसके नीट को छोड़ के। आएंगे जो पार्ट आएगा वो यहाँ आएगा हाउ टू प्लांट सब्सॉर्ब वाटर, ठीक है, उसका होम पेज, उसका नेक्स्ट पेज देख लेना मैंने कैसे मार्क किया हुआ है। एंड प्लांट फिजियोलॉजी में डायग्राम्स अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको स्ट्रेस कितना भी ज्यादा स्ट्रेस में कम है, ठीक है। अपटेक ऑफ मिनरल इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट चैप्टर हो चुका है। मिनरल न्यूट्रिशन, हाँ अब ये पता है जिसमें एग्जाम्पल रखने वाला पड़ता है ये नीट में आएगा, जिसमें ज्यादा रखना है वो देख वैसे नीट काम कर रहा है, जहाँ ज्यादा रखना है वो नीट में आता है, जहाँ कम रखना है दिमाग ज्यादा लगाना होता है वो एम्स में आता है, ठीक है। तो इसमें स्पेशली मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं कौन से मिनरल्स है, कौन से उनकी सॉल्ट फॉर्म है, एग्जाम्पल पूछा जाएगा एंड यार उनके क्या यूजेस है, ठीक है। मेरे आई थिंक मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था इसका यूजेस का, तो देख लेना इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो इसी पार्ट में आता है, ठीक है, कौन से मिनरल्स एसिड होंगे, डेफिशिएंसी से किसमें नेक्रोसिस होता है, किसमें इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन होती है, देख लेना। एंड एक इंपॉर्टेंट डायग्राम जो बहुत आ चुका है वो नाइट्रोजन साइकिल का, ये लास्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल कैसे अब्सॉर्ब होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म होते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा एक जो डायग्राम है जो पूरा समराइज करता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे तुम याद कर सकते हो। एंड लास्ट में मैं अभी तो क्वेश्चन इसका आया नहीं है जिसके डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स एंड सोयाबीन, ये जो क्वेश्चन है ऐसा डायग्रामेटिक क्वेश्चन कभी नहीं आया, इतने सारे टेस्ट में आ चुका है, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह, ठीक है, इसी इंस्टीट्यूट के होकर। तो आई होप इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, आ सकता है, अगर नहीं आया तो इसे आ सकता है, ठीक है। तो तुम्हें अच्छा याद रखना एंड ये चैप्टर उन चैप्टर्स में से है जो तुम्हें एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है,
क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन चीजें बहुत याद करने वाली है, तो एग्जाम से एक दिन पहले वाला है। इसमें बेसिकली दो तीन पेज जो स्पेशली हॉर्मोन्स वाले ना वो पूरे तुम्हें याद करने करना है। एंड लास्ट में देखते हैं ना वही वर्नलाइजेशन वाला पीरियडिज्म वाला चैप्टर है, पेज है, ठीक है, वो भी तुम्हें पढ़ना है। हॉर्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करना बैठ के। स्ट्रेस इसलिए करो क्योंकि तुम एक्शन में एक्शन पड़ेगा, ऑप्शन ए। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला बात आ गई, तो ऐसा ये मैं तभी बता रहा हूँ, नीट में इतना हाई नहीं है तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पूरे पांच जो चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन टपक टपक आ जाएगा, पर जो तुम एम्स हो गए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाई लाइन सेशन डिजाइन क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली चैप्टर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये उन चैप्टर्स में से है जिसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कोई भी बंदा, क्योंकि हमें मेडिकल प्रोफेशन में जाना है तुम वैसे इंटरेस्टेड हो गए चैप्टर्स पढ़ने में, तो आई थिंक ये चैप्टर तुम कवर करोगे। एंजाइम का पीएच वगैरह देख लेना, अब्सॉर्प्शन डाइजेशन कैसे होता है, कौन सी चीज कहाँ पर अब्सॉर्ब हो रही है, कौन सी चीज क्या डाइज करी, कौन सी एंजाइम किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट करती है, हाई पार्ट है। एंड जो मुझे सबसे बड़ा लगता था, ठीक है, वो पी भी है, वो समरी ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइज सिस्टम, तो क्या किसी कहाँ का अब्सॉर्ब हो रही है, तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है। इसी से पीएच भी याद रखना कि हर एंजाइम किस किस में काम कर रही है। देखिए ना मैंने कुछ कोई साइड में आके होंगे अभी बुक के, तो वो पॉइंट याद करना। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर भी बहुत इजी है, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आज से दो दिन पेजेस, वो है पहली बात तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, हाई रेस्पिरेटरी वॉल्यूम याद रखनी है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितनी, एक्सपिरेटरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है, वो याद रखनी है। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यार एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, उसमें उसका वो दिया हुआ है कि पार्शियल प्रेशर कितना होता है, कितने प्रेशर पे अब्सॉर्ब होती है, ब्लड में गैस का प्रेशर कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर कितना होता है, वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हाँ ये हो गया। एंड उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, याद कर लेना बर्गर्स फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद कितना ऑक्सीजन कैरी होता है ब्लड के अंदर, कितनी एक्सचेंज होती है, आई थिंक 5 ml फॉर कार्बन ऑक्सीजन थी, 4 ml फॉर कार्बन डाइऑक्साइड थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड किन फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, ऑक्सीजन किन फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, कितने परसेंटेज ट्रांसफर हो रही है, इंपॉर्टेंट है। एंड सिग्मॉइड ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन से इसको राइट शिफ्ट कराता है, लेफ्ट शिफ्ट कराता है। डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, एक ये दो दो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, लास्ट के इंपॉर्टेंट है। अब इसमें याद रखना ये जो चैप्टर है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इसमें हर एक चैप्टर में लास्ट में डिसऑर्डर्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत, उसको रट लेना, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है ये लास्ट चैप्टर, इतना हार्ड नहीं है, तो इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं कर रहा। जिसमें रट्टा मारने वाला जो पार्ट आता है ना, अभी नेक्स्ट चैप्टर देखो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें रट्टा मारने वाला जो पार्ट है ना वो है आरबीसीज और डिफरेंट डिफरेंट डब्ल्यूबीसीज टाइप के, उनके ही फीचर्स, क्योंकि नीट है रट्टा मारने वाला पार्ट पूछेंगे, तो ये स्पेशली आएगा, ठीक है। कितने परसेंटेज बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है। एंड उसके बाद हार्ट के लोग बहुत स्ट्रेस करते हैं पर हार्ट आता नहीं है, ठीक है। हम लोग की आदत होती है कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह या हार्ट सर्जन वगैरह बनना है, मेडिसिन में जा रहा है, तो हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। पर उसका इस चैप्टर का जो जिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो है स्टार्टिंग वाला पार्ट, वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट, ठीक है, तो वो चेक कर लेना। एंड जो लास्ट में है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम, ये पार्ट। एक क्वेश्चन जो आप याद है यार, हार्ट फेलियर वाला क्वेश्चन देख लेना, हार्ट फेलियर हार्ट अटैक इज नॉट इक्वल टू हार्ट अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक में हार्ट रुकता नहीं है, ठीक है, मेडिसिन में आओगे समझोगे तो पता चल जाएगा वैसे। पर डिसऑर्डर्स के ध्यान रखना, इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना, ब्लड वॉल्यूम कितनी पर मिनट पंप हो रही है, इसमें बेसिक डेफिनेशन डेफिनेशन थी, याद करोगे एग्जाम एग्जाम में पूछेंगे डेफिनेशन दे देंगे, पूछेंगे किसकी डेफिनेशन है, तो वैसे करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये इज हो गया। सबसे अब सबसे बड़ा चैप्टर होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, ये सब बहुत क्वेश्चन आता है। कंपेयर देख जो पूरे अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो रेस्पिरेटरी से इतने क्वेश्चन नहीं आते, डाइजेस्टिव सिस्टम से इतने क्वेश्चन नहीं आते, हार्ट से क्वेश्चन नहीं आते। अब जो आता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रेन आएगा और हॉर्मोन्स का चैप्टर है। इनमें सबसे आगे तुम्हें बोला स्ट्रेस के सुधू इन चैप्टर में, क्योंकि रट्टा पर मारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ किस सेगमेंट में क्या अब्सॉर्ब हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद ब्लीडिंग फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में तुम याद करें स्पेशली रेगुलेशन ऑफ किडनी याद कर लेना, अभी के लिए कॉलेज में आओगे ना मेडिकल कॉलेज में अभी तुम्हें याद रखना होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन याद कर, या इसमें क्वेश्चन आया था रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, एंड तुम्हें नॉर्मल टेस्ट जब तुम टेस्ट होगी उसमें क्वेश्चन बाबा रिपीट करेगा, ठीक है, तो याद रखना वो। हाँ बोन्स वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर इतना हाई यील्ड है नहीं, लगता है हाई यील्ड होता है पर इतना हाई यील्ड है नहीं। मसल कितने बैंड्स पता होना चाहिए, क्या अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करे कौन सा बैंड मूव कर रहा है कौन सा बैंड नहीं मूव कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो जो बार पूछने से एक्टिन मसल इसके जो डायग्राम है वो देख लेना, एक्टिन का जो डायग्राम है, मसल बैंड का डायग्राम है, मसल डायग्राम है, देख लेना। स्केलेटल सिस्टम, अब स्केलेटल सिस्टम जो इसके लास्ट में पेजेस है ना उसमें तुम्हें बहुत अट्टा वाला है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें तुम्हें नंबर के बेसिस पे एक एक नंबर कितनी बोन्स है उसके बेसिस पे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोन्स की फीचर क्या है, ये तो बेसिक बोन की फीचर मेडिकल कॉलेज में अगर एक एक बोन के बारे में तुम्हें कितना ज्यादा याद करना पड़ता है, ठीक है। तो बोन्स की फीचर्स है, एक ही बोन की फीचर्स है, जॉइंट्स है, याद करना इस तरह से। एंड स्पेशली डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स है, फाइनल जॉइंट के एग्जांपल, कार्टिलेज जॉइंट के एग्जांपल, सिनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन से पूछा जाएगा। न्यूरल कंट्रोल में एक्शन पोटेंशियल वाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्या बताओ इसमें ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना
आईज ईयर्स जो वाला पार्ट है ना, तुम कोई उठा लो बहुत साल दिया, तो मैं बताऊँ आज तक ना एयरबीट में ना एम्स में इस पेजेस के बाहर आया, ना डायग्राम पेजेस के बाहर आया, ना कुछ इस पेजेस के बाहर आया, इसी में से आएगा। तो आईज एंड ईयर इधर से पढ़ना, डायग्राम इधर से देखना एंड अच्छे से पढ़ना, ठीक है? बहुत अच्छा सुनना, स्पेशली आई आई का डायग्राम और उसकी जो लेयर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क किया, देख लेना चाहिए, ठीक है? जो मार्क किया क्वेश्चन आ चुका है, आ चुका है या किसी ना किसी टेस्ट में आया था, तो वो तो तुम्हें बहुत लाइफ याद करनी करनी है। उसके अलावा वैसे भी पता होना चाहिए कैसे ईयर फंक्शन करता है, ठीक है? ब्रेन से फोर ब्रेन मिडब्रेन एंड ये कहते हैं हाइंड ब्रेन के पार्ट्स क्या है, उनके फंक्शन क्या है। अब मैं बताता हूँ इस चैप्टर में ना समरी देखते हैं, तुम जब चैप्टर्स पढ़ते हो तो तुम समरी पढ़ते हो, सोचते हो कि यार एनसीईआरटी है समरी होगी चैप्टर की, मतलब एनसीईआरटी चैप्टर में कुछ कुछ चीजें अलग होती है एंड समरी में कुछ कुछ चीजें अलग होती है, एक्स्ट्रा होती है। तो एनसीईआरटी पढ़ लो, समरी पढ़ने की हैबिट भी डालना, ठीक है, चैप्टर्स की। एंड मैंने मार्क किया वैसे जो जो चीजें डिफरेंट है और पढ़ के चाहता है बेसिकली, ये नहीं कि मैं चैप्टर मैं पढ़ के चैप्टर पढ़ लिया अब मैं समरी छोड़ दूँ, इसकी समरी पढ़ लिया चैप्टर है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फाइनली केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। इसमें एक एक ग्लैंड कौन सा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना है। ये उस चैप्टर में से अभी नोट करो, उस चैप्टर में से तुमको एक दिन पहले पढ़ना है, क्योंकि सारे हॉर्मोन्स के फंक्शन नहीं आ पाते, ठीक है? एक दिन पहले बैठ के पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है? एंड जो इसमें मैकेनिज्म एंड हॉर्मोन एक्शन का पार्ट है ये भी देख लेना, ये बेसिकली एम्स पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जो ओवरी पैनक्रियाज टेस्टिस वगैरह हर एक ऑर्गन के फंक्शन हॉर्मोन को सीक्रेट कर रहे हैं, उनका शेप कैसे, उनका डायग्राम क्या है, या तो एक मुझे लगता है जो क्वेश्चन आ सकता है वो किडनी का डायग्राम है, उसमें एडिनिन ग्लैंड नीचे फैट है, ठीक है? एंड मेरे किसी टेस्ट में आया था तो बहुत लोगों ने बताया था बहुत एडिनिन ग्लैंड आपको कहते हैं, पर एनसीईआरटी का डायग्राम है तो यह छोड़ना होगा, एडिनिन ग्लैंड नीचे फैट है, ठीक है? फैट वाला बहुत हाई लेवल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें अगेन समरी पढ़ लेना। अब यार बात आती सप्लीमेंट्री मटीरियल की, सप्लीमेंट्री मटीरियल सप्लीमेंट्री रखने के लिए नहीं है, ये वही पार्ट है जिसमें एग्जाम में बहुत कुछ आता है। सप्लीमेंट्री मटीरियल वो पार्ट है जो तुम जो एग्जाम देने जाओगे ना उससे पहले ग्रेट होने से पहले वेट करोगे ना, सब लास्ट चीज तुम सोचोगे क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट्री मटीरियल पढ़ना है। मेरे सप्लीमेंट्री जब मैंने एग्जाम दिया था 5-6 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री मटीरियल आए थे, ठीक है? और अभी भी आ रहा है सप्लीमेंट्री मटीरियल, ये नहीं छोड़ देना है, ये एग्जाम से एक मिनट पहले पढ़ना ही पढ़ना है, देने जा रहे हो उससे पहले पढ़ के जाना है, ठीक है? सी डोमेंसी कैलोरिक वैल्यू वगैरह जो आठ पार्ट्स है एंड पूरी एनर्जी माइल न्यूट्रिशन सेम है, ठीक है? ज्यादा ज्यादा नहीं है पर ये पढ़ के जाना, डायबिटीज इंसिपिडस वगैरह वगैरह पार्ट्स है पढ़ के जाना, ठीक है? अब ये पार्ट टू थी वीडियो की, 3 और 4 जो ट्वेल्थ की बुक होगी मैं बाद में रहूंगा, पार्ट वन नहीं देखी तो देख लेना, पार्ट 3 और 4 की आगे कर देना। लिंक पर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मेरी एनसीईआरटी की बुक जो मार्क की, फोटो पीडीएफ में अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, जाके देख लेना, ठीक है? डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, अगर तुम्हें कुछ मार्क नहीं किया कुछ छूट गया तो उसमें मार्क कर लेना, ठीक है? अगर वीडियो तुम्हें पता नहीं कि कैसे डाउनलोड करना है तो मैं एक और सेपरेट वीडियो बना के रखूंगा जिसमें तुम देख सकते हो मेरी वेबसाइट से जाके वीडियो जाके तुम्हें मेरी बुक कैसे डाउनलोड करनी है, नोट्स भी उसमें जाके देख लेना, ठीक है? एंड तुम्हें सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? रेगुलर भी कंटेंट डालू जब तुम्हारे एग्जाम खत्म होते हैं, मुझे पता है मैं भी बिजी हूँ तुम भी बिजी हो, तुम्हारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है एंड मोटिवेशन चाहिए होता है बताने के लिए कि तुम कर सकते हो, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें कुछ, ठीक है? मेरी नोट्स देखो ना देखो तुम्हें पता है तुम्हें आता सब कुछ, बस थोड़ा दिलासा देने की जरूरत होती है कि हमें आता है सब कुछ, ठीक है? चलो ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।